जी आज 30 जुलाई 2022 है और खालिद मैं और इमाद उस्नात उम अलसद की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। ये एक बाइक टूर होगा, ये बच्चों के इसरार पे हमने तिरसत का इलाका है। इस जगह में पुराने ज़माने में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, रशिया और यूएसएसआर और मग़रिबी ताकतों के दरमियान, तो यहाँ पे एक छावनी पाकिस्तान आर्मी ने बनाई थी जो कि अभी इस्तेमाल में नहीं है। जी तो इस वक्त हम तिरसत के मुकाम पे हैं और यहाँ मैं आपको थोड़ी देर के लिए रुक के तिरसत का ये खूबसूरत तिरसत के ये खूबसूरत पहाड़ दिखा देता हूँ और यहाँ पे आपको एक मेल्टिंग ग्लेशियर दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये ग्लेशियर बहुत ज़्यादा था लेकिन इस वक्त गर्मियों की वजह से मेल्ट होकर थोड़ा कम रह गया है और यहाँ से नीचे जो पानी आता है ये बाज़ औक़ात यहाँ रोड को भी ब्लॉक कर देता है। उम अलसद पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे रिसेंटली कल या परसों में फ्लडिंग हुई हुई है। जंगल टाइप इलाके को कहते हैं जहाँ पे ज़्यादा दरख्त वगैरह और थोड़ा सा नेचुरल वाइल्डनेस हो उसको कहते हैं। हमारे राइट साइड पे दरिया बह रहा है और सामने ये असनात खालिद और इमाद और इहान और ये ऊपर ये पहाड़ी ज़बरदस्त किस्म का वाटरफॉल के सामने बजे ये वाटरफॉल, तो ये ज़बरदस्त किस्म के वाटरफॉल्स यहाँ पे हैं और ये वाटरफॉल्स हैं, ये जो वाटरफॉल्स हैं ये मज़े वाले वाटरफॉल्स हैं। ये दरियाए दरकुत है जिसके किनारे इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ये और यहाँ कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो फिशिंग करने आए हैं। तो यहाँ इस दरिया में ट्राउट मछली आराम से मिल सकती है। गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और
ऊपर पहाड़ों में जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ ये जो पानी है ये सैलाब की शक्ल अख्तियार करता है और बाज़ औक़ात बड़ी तबाही मचा लेता है। और ये जो बंद आपको नज़र आ रहा है ये इसी तरह लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये बंद बांधा है ताकि ये इस तरफ की जो ज़मीन है इसको ख़राब ना करें, पानी का कटाव इस तरफ ना आए। जी तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है उमुसत में, दरिया के किनारे टूरिस्टिक पॉइंट है बेसिकली। जब कोई भी टूरिस्ट जो नेचर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो जब यहाँ आएंगे तो इस इलाके को डेफिनेटली इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ही पुरसकून है, खामोश है, यहाँ कोई रश वश नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई किसी किस्म का, बहुत ही पुरसकून जगह है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा इशू ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तक अच्छी नहीं है। और हम बरकोसी से कोई आधा घंटे के रास्ते पे हम हैं, वहाँ से हम आए हैं यहाँ पे बाइक्स लेके, क्योंकि गाड़ी के लिए ये रोड फिजिबल नहीं था, जहाँ जगह जगह से रोड टूटी हुई है। तो उसके बावजूद भी हम बाइक्स लेके हमने किसी तरह यहाँ पहुँचने की कोशिश की और यहाँ आके मेरा जो बाइक था उसका टायर बिलाखिर पंक्चर हो गया, क्योंकि रोड बहुत ही रफ और रॉकी है। तो अब पंक्चर हो गया तो उसके बाद जो है हम यहाँ रुके हुए हैं, बाइक को हमने भेजा है दूसरे बाइक पे कहीं और, ताकि कोई पंप शॉप या ये टायर को रिपेयर करने का कोई सामान बन जाए तो हम दोबारा अपना सफ़र जारी रखें। लेकिन बताने का मकसद ये है कि देखें ऐसे जगह, इस तरह के खूबसूरत जगहों में कम से कम हमारे गवर्नमेंट्स को और हमारे इलाके के लीडरान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि टूरिस्ट आराम से यहाँ पहुँच सके, और यहाँ अगर इस तरह की कोई सिचुएशन भी हो तो कम से कम यहाँ ठहरने के लिए आसपास कोई सहूलत इस तरह की होनी चाहिए। तो आप जो भी यहाँ आना चाहते हैं मेक श्योर कि आप अपने साथ खाने के सामान पूरे आपके साथ होने चाहिए, और आपके साथ सर्दी गर्मी के पहनने के कपड़े दोनों सही तरीके से होने चाहिए, आपके पास शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, और फिर आप अगर गाड़ी लेके आ रहे हैं या बाइक्स लेके आ रहे हैं तो आपके पास आपका किट होना चाहिए, एक्स्ट्रा टायर, गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर, अगर बाइक है तो फिर आपके पास पूरा किट होना चाहिए जिसमें पंक्चर लगाने के सारे सामान और दूसरी चीज़ें और पाना शाना ट्रेंच ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका सफ़र बदमज़ा ना हो। जी तो हम यहाँ पे अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि खालिद जो है ना कुछ अरेंजमेंट करेगा, हमारी बाइक जो पंचर हो गई थी। तो अब खालिद ने यहाँ पे कुछ दोस्तों को, वहाँ से उनके अपने जानने वाले कोई होंगे, उनके साथ एक और बाइक यहाँ हमारे पास भेजी है। तो हमारी बाइक अब वो लेके कहीं रिपेयर के लिए ले जाएंगे और हम ये वाली बाइक लेके आगे बढ़ते हैं। हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो ये वाली जगह थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा फिश फॉर्म है और साथ में एक होटल है, अबशार होटल। तो हम जाते हैं उधर भी, अबशार होटल के क्या हालात हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा ये जगह के सराउंडिंग्स आपको दिखा दूँ। ये दरगुज की तरफ की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से ऊपर आएंगे तो ये उमुसत के ऊपर की पहाड़ी, और ये आबशार, पानी के आबशार आप देख रहे हैं यहाँ, बहुत खूबसूरत आबशार होते हैं। हालांकि ये सीज़न गुजर चुका है लेकिन फिर भी अभी है। अगर आप मई जून में आते हैं इवन जुलाई तक तो यहाँ आबशारों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, आपको बहुत खूबसूरत आबशार यहाँ देखने को मिलते हैं।
जी हम इस आबशार तक पहुंच गए, तो हम दोबारा नीचे जाके फिश फार्म पे मिलेंगे।